Hello students, I am Shashank Rai from Kanika Point and I welcome you all students. And students, as you all know, I have already started polynomials. So we will continue with our exercise 2.2. And students, in this exercise, I am going to continue with question number 2 because I have already completed question number 1. So students, let's start with question number 2. So students, what we are going to study today? अब हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है और हम क्या सीखने वाले हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाना या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखना। कब लिखना? जब उसके जीरोस का सम, जब हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन। तो अभी तक हमने क्या किया था स्टूडेंट्स कि हमें पॉलिनोमियल दे दिया जाता था और हम उसके जीरोस को फाइंड आउट करते थे। अब क्या हो रहा है कि हमें सम और प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोस दे दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया गया है और बोला गया है कि जब ये दोनों चीज आपको गिवन हो, मालूम हो, तो आप पॉलिनोमियल को बनाइए और पॉलिनोमियल को लिखिए। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं, इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा और आप जस्ट एक चुटकी में ये सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है तरीका। ये कहता है स्टूडेंट्स कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल, अगर आपको एक्स की जगह वाई रखने का मन हो, एस रखने का मन हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेरिएबल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है। पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जस्ट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें अगर पॉलिनोमियल के जीरोस का सम दिया गया है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ दिया गया है तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे वर्कआउट करता है और कैसे हम अपने आंसर्स को आसानी से निकाल लेते हैं। तो लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरोस दिया गया है, सम ऑफ जीरोस दिया गया है 1/4, मतलब कि जो भी जीरोस थे पॉलिनोमियल के उनका सम करके दे दिया गया, बता दिया गया कि 1/4 है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया गया है -1। तो अब स्टूडेंट्स देखिए कि हम कैसे पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। तो देखिए जस्ट इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज। तो मैं पॉलिनोमियल लिखने जाऊंगा, p ऑफ x, ये मेरा पॉलिनोमियल है, लिखना शुरू करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस क्या करना है, सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स। तो सम ऑफ जीरोस देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में, 1/4। तो जस्ट उस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, 1/4 इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, -1। इसे अगर हम थोड़ा सा और सिंपल वे में लिख लें, एक्स स्क्वायर तो एक्स बाई फोर माइनस वन। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहां पे भी रुक जाते हैं तो भी हमारा आंसर आ गया है, ये गलत नहीं है। यहां पे भी रुक जाएं तो हमारा आंसर कंप्लीट है। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग ये सोचोगे, जैसे ही अपने बुक के पेजेस पलटोगे और आंसर देखोगे तो बोलोगे कि सर ये क्या बता के चले गए, आंसर से मैच नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहां पे भी रुक जाएं तो भी हमारा आंसर करेक्ट है। लेकिन अब आगे देखते हैं कि हमारे बुक का आंसर कैसे आएगा। तो स्टूडेंट्स एक चीज आपको बता देता हूं कि अगर हमें कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है, कोई भी पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया गया है, अगर उसे मैं किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जैसे यहां पे मैंने k से मल्टीप्लाई किया अदर देन 0, मतलब कि ये k जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इसे किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो उसके सम और प्रोडक्ट पे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट जस्ट इसे अच्छे वे में प्रेजेंट करने के लिए, जैसे ये भी पॉलिनोमियल है लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर है, तो बुक में क्या किया गया कि इस डिनोमिनेटर को हटा के लिखने के लिए इसे कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और
अगर जैसा मैंने बताया कि अगर मैं किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करें ताकि डिनोमिनेटर वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाए पॉलिनोमियल से। तो यहां पे 4 है तो पूरे पॉलिनोमियल को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए x² - x/4 - 1, जब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया स्टूडेंट, 4x² - x - 4। तो स्टूडेंट ये आ गया और ये हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स आई होप ये विजिबल नहीं होगा आप लोगों के लिए, तो इसे मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पे। तो ये देखिए यहां के बाद स्टूडेंट्स ये मैं रफ कर दे रहा हूं और कंटिन्यू करते हैं। तो यहां देखिए इस चीज को मैं लिख देता हूं, तो 4 इनटू जब हम कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, 4x² - x - -4। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ गया। तो ये अब आप मैच कराओगे तो ये आपके बुक में यही आंसर दिया गया है और आप देख पाओगे कि हमारे आंसर सेम है, तो उसमें कोई गलती नहीं। अगर आप चाहें यहाँ पे भी रुक जाएं तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को फॉर्मूला एकदम क्लियर होगा, तो हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है, इसमें हमें दिया गया है सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1/3। तो स्टूडेंट अब बस सिंपल है, फॉर्मूला आप लोगों को याद है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर लिख देना है। तो देखिए जस्ट मैं लिख देता हूं, देयरफॉर पी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, x² - sum of zeros + product of zeros। तो स्टूडेंट्स बस इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, x² - sum of zeros, तो sum of zeros यहां क्या है √2, तो √2 रख दिया, इनटू क्या करना था, इनटू करना था हमें वेरिएबल इनटू x। तो देखिए इनटू x कर देते हैं तो √2x + product of zeros क्या है 1/3, तो +1/3। अब स्टूडेंट्स अगेन इसे सिंपलीफाई कर देते हैं अगर हम करना चाहें तो, ताकि अगर आप यहीं पे रुक जाएं तो भी आपका आंसर आ गया, लेकिन इसे थोड़ा सा फर्दर सिंपलीफाई कर दें ताकि ये पॉलिनोमियल और हमें सही वे में नजर आए। तो देखते हैं क्या करते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, तो इस डिनोमिनेटर को अगर हमें एलिमिनेट करना है तो इस पूरे पॉलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। +1/3, तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा रिजल्ट, यहां पे लिख दे रहा हूं, सो आवर रिजल्ट विल बी 3x² - √2x + 1, दैट्स आवर रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को कांसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जस्ट हमें सब्स्टिट्यूट करना है और वैल्यूज निकालनी है, तो अब हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे सम ऑफ जीरोस 0 दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 दिया गया है, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 आई थिंक, यस स्टूडेंट्स। तो देखते हैं अब स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पी ऑफ एक्स, अब स्टूडेंट्स आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो देखिए x² - sum of 0, तो सम ऑफ 0 यहाँ पे क्या है, 0 ही है। तो देखिए 0 इंटू वेरिएबल इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, तो क्या है √5। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x² + √5, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, तो यहाँ पे x² + √5 है, इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स।
अब क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर हम लोग देखें, देखिए सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है, वन, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज आल्सो वन। तो हम पॉलिनोमियल कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगेन जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, डोंट फॉरगेट, हाँ हमेशा याद रखना है, हमेशा काम आएगा। तो क्या था स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर नेगेटिव ऑफ सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या है, वन इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, वन, और इसे देखिए सिंपल वे में लिख लें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और ये हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स देखा आप लोगों ने विद दैट फॉर्मूला हाउ वी आर गेटिंग द रिजल्ट जस्ट इन सेकेंड्स। ओके स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स तो फोर्थ में हमें क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोस इज वन एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज आल्सो वन। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर, आई होप स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड दिस वन, नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू फिफ्थ पार्ट। आई होप वी हैव कंप्लीटेड। ओके सम ऑफ जीरो इज क्या गिवन है हमें, माइनस वन बाई फोर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज वन बाई फोर। तो देखिए स्टूडेंट्स अगेन हमें मालूम है कि हमें तो पॉलिनोमियल फॉर्म करना है और फॉर्मूला याद है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो यहाँ क्या है, माइनस वन बाई फोर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट इज वन बाई फोर। तो क्या जाएगा रिजल्ट स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये एक्स बाई फोर एंड प्लस वन बाई फोर। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर आ गया तो हम इसे डिनोमिनेटर क्या है फोर, तो फोर से मल्टीप्लाई करके इसे जस्ट प्रॉपर वे में प्रेजेंट कर लेते हैं। तो देखिए फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई फोर प्लस वन बाई फोर। तो स्टूडेंट्स हमें करना क्या था, यहाँ पे डिनोमिनेटर फोर है तो डिनोमिनेटर हटाने के लिए जस्ट हमने फोर से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा यहाँ से, फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर मीन्स सिक्स्थ पार्ट स्टूडेंट्स। तो देखते हैं तो सिक्स्थ पार्ट स्टूडेंट्स इसमें हमें सम ऑफ जीरोस दिया गया है फोर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो वन। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को, लेट्स कंटिन्यू विद दैट फॉर्मूला। क्या है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, यहां पे फोर है, इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज वन। तो स्टूडेंट क्या आ गया ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, एंड यू कैन सी दैट्स आवर रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे अगर हमें सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया जाए तो हम कितने इजीली पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर इसके बाद भी स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन लेके आप लोगों को बताऊं जिसमें अगर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो यू कैन कमेंट दैट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो दैट अवर कोचिंग इज पॉपुलर फॉर आईआईटी प्रिपरेशंस मीन्स जेई मेन, जेई एडवांस, नीट। सो स्टूडेंट्स यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉलो आवर लेक्चर्स सो दैट यू कैन गेट द प्रॉपर नॉलेज एंड कंटेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।